सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, आप लोग कैसे हो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो देसी चिकन होता है उसका रेसिपी। ये जो चिकन होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और ये कुकिंग करने में बहुत सारा टाइम ले लेता है, तो उसको मैं एकदम झटपट बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो सॉलिड चिकन का पीसेस लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करके रख दिया है। और दूसरी साइड में मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है, तो इस रेसिपी को मैं कुकर में बनाऊंगी ताकि कम टाइम में बन जाए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने और टेस्टी भी बने। और ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने 5 फोरन डाल दिया है 1 टीस्पून, और उसी के साथ मैंने 2 इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे बाकी जो प्याज है वो डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 बिग साइज़ की प्याज लिया है और रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है, और उसको भी मैं हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। और प्याज का जो कलर है वो एकदम डार्क नहीं चाहिए हमें, लाइट होने से ही हम उसमें नेक्स्ट जो मसाला है वो डालूंगी, तो आप लोग देखते जाइए। और बहुत ही झटपट बन जाता है क्योंकि रमज़ान का टाइम है अभी, तो हमें कुकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए और कम टाइम में किस तरह से हम बहुत ही टेस्टी खाना बना सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो उसी टाइम पे मैंने अभी 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और इसमें इतना कम मसाला मैं यूज़ करूँगी, ज़्यादा मसाला भी नहीं यूज़ करूँगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये जो चिकन है उसका रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है ये रेसिपी। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को मीडियम में काट करके डाल दिया है, और हल्का सा मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, और उसी टाइम में जो चिकन हमने अच्छी तरह से वॉश करके रखा था तो सारा चिकन मैं डालूँगी। तो इस तरह से आप लोग बनाइए, एकदम कम मसाला रमज़ान के टाइम में यूज़ कीजिए कम मसालों से। अभी यहाँ पे सारा चिकन हमने डाल दिया है और फिर से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और इस तरह मिक्स करने से चिकन में मसाला जो है अच्छी तरह से अंदर में घुस जाएगा और बहुत ही जूसी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। तो इस तरह से मिक्सिंग का जो प्रोसेस है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग कीजिए, और एक साथ में सारा मसाला मत डालिए, जो मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ इसी तरह से बनाइए। तो इस तरह से बनाने से मसाला का जो एक्स्ट्रा स्मेल है वो भी नहीं रहेगा और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा रेसिपी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, और उसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून करी पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। और बस इस ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करूँगी और एकदम सिंपल मसालों के साथ बनाऊँगी, और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा ये बनाने में, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मसाला नहीं ऐड होगा इस रेसिपी में। और फिर से मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और ये जो मिक्सिंग है ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए, इस तरह से जो चिकन में अच्छी तरह मसालों का साथ मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चटनी बनाऊंगी ड्राई फिश के साथ, तो वो मैं रेडी कर रही हूँ साइड के। सो यहाँ पे मैंने फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया है, और यहाँ पे हमारा जो चिकन है अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स हो गया है, और चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख गया है, तो अभी इसमें और पानी मैं ऐड करूँगी, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लाफड़ी चॉप करके डाल दिया है, और उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये मिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो चिकन जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे मेरा जो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और ये हरा धनिया चॉप करके मैंने डाला है, तो आप लोग बीच में इस तरह से ज़रूर ऐड कीजिए,
तो ये हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। लास्ट में तो हम ऐड करेंगे, लेकिन बीच में मैंने डाल दिया है, तो आप लोग इस तरह से बनाइए एक बार, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा और हरा धनिया का जो टेस्टी पूरा चिकन में फैल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसके बाद मैंने फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैं मिक्सिंग जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम भुनाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 कप डाल रही हूँ, अंदाजा से मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैंने फिर से मिक्स किया है और अभी इसमें जाएगा नमक, मैंने टेस्ट के हिसाब से डाला है। तो नमक मैंने पहले नहीं डाला है, लास्ट में डाल रही हूँ ताकि जो चिकन है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, इसलिए मैं लास्ट में डालूँगी। और उसको ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा लूँगी और 2 सीटी से हमारा जो चिकन है एकदम सॉफ्ट बन जाएगा और जो टाइम भी कम लगता है। लेकिन ये जो चिकन होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, नॉर्मल अगर हम कढ़ाई में बनाएंगे तो 1.5 आवर लग जाता है, लेकिन इस तरह से कुकर में बनाने से कम टाइम में बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। मैंने जिस तरह से आप लोगों को दिखाया है उसी तरह से बनाइए। और यहाँ पर जो ड्राई फिश का जो चटनी है वो मैंने बना लिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बना है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैंने उसको भी साइड में रेडी किया है। और दूसरी साइड में हमारा जो चिकन है उसका भी लीड मैंने खोल दिया है, तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा यम्मी बना है और इसका जो कलर है ग्रेवी है देखिए कितना परफेक्ट हुआ है और एकदम कम टाइम में बन जाता है इस तरह से। और अभी इसको मैं 2-3 मिनट लो हीट पे कुक करूँगी, तो उस तरह से हमारा जो ग्रेवी है थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और मैं सब कुछ चेक करके, नमक वगैरह चेक करके, मैं उसमें हरा धनिया डालूँगी और फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊँगी कैसा बना है। और लास्ट में आप लोगों के साथ मेरा सिंपल इफ्तार ही दिखाऊंगी, मैंने आज क्या क्या इफ्तार में बनाया है, और बहुत ही सिंपल आज बनाया है क्योंकि आज मैं बहुत बिजी थी, बच्चों की टेस्ट चल रहा है इसलिए। और यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो कुछ इस तरह से लुक आया है, तो इस तरह से आप लोग बनाइए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।